हेलो एवरीवन नमस्कार मैं हूं निधि आप सबका वेलकम करती हूं निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे दोस्तों उम्मीद करती हूं आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूं ना इसे अप्लाई करने के बाद आपको और शैम्पू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल जड़ से काले होंगे वो भी नेचुरल तरीके से और मैं आपको बता दूँ कि आपके बाल लंबे होंगे और घने होंगे मजबूत होंगे तो चलिए देख लेते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है यहाँ पे लोहे का बर्तन हमें नहीं चाहिए सबसे पहले आपको लेना है नील पत्ती पाउडर यानी कि इंडिगो पाउडर इजली मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों आप वहां से ले सकते हैं ये उसी तरह काम करता है जैसे कि मेहंदी जैसे कि हीना काम करता है ये कोई डाई नहीं है यहाँ पे एक चम्मच ले लेना है आपको इंडिगो पाउडर नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ जटा मानसी पाउडर आपको बहुत बार मैं अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जटा मानसी पाउडर के रेमेडी और मैं अप्लाई करके भी दिखाई हूँ ये बालों को जड़ से काला बनाने में हेल्प करता है साथ ही साथ बालों को मजबूत बनाता है तो एक चम्मच इतना आपको ले लेना है जटा मानसी पाउडर दोस्तों ये एक ऐसा जड़ी बूटी है ना जो कि सदियों से चला आ रहा है सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए तो इसे ज़रूर एड ऑन कीजिएगा यहाँ पे एक चम्मच ले ली हूं मैं अब यहाँ पे लेने वाली हूं मैं कत्था पाउडर तो दोस्तों आपको मैं दिखा देती हूँ कत्था पाउडर जो है वो ईजिली आपको पान दुकान पे मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों जो ब्राउन कलर का जो कथा होता है ना उसे भी आप ब्रिक में भी ला सकते हैं और उसे ग्राइंड करके आप पाउडर भी मना सकते हैं या तो आप मेरी तरह इस तरह आप बाय भी कर सकते हैं ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैं काला कथा नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ब्राउन कथा ऐड कर रही हूँ ये मार्केट में आपको ईज़ली पान दुकान पर भी मिल जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें नहीं ऐड ऑन करना है आधा चम्मच इतना ऐड ऑन करना है दोस्तों ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है अब यहाँ पे हमें ऐड करना है अपना फेवरेट रेगुलर शैम्पू जी हाँ दोस्तों जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए बस वही यहाँ पे ऐड ऑन करना है आपको एक चम्मच इतना दोस्तों जब भी आप शैम्पू अप्लाई करें ना तो आपको मैं बता देती हूँ इस तरह से आपको अप्लाई करना है बस एक चम्मच इतना आपको शैम्पू ऐड ऑन करना है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड ऑन करूँगी और इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बना के कर रेडी कर दूँगी दोस्तों ये जो पेस्ट है ना इसे आपको नहाने के पहले एक से डेढ़ घंटे पहले अपने बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है उसके एक घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है ना तो हफ्ते में तीन बार इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा वैसे अगर आपके कम हेयर सफ़ेद हुए हैं या आपको प्री ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप बस एक बार भी अगर लगाएंगे ना इसे हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए आपको एक से दो बार में ही फ़र्क दिखने लगेगा अपने बाल में ये देखिए इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाती है बस इसे बना के आप रख भी सकते हैं हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी थैंक यू हैवे नाइस डे